आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे। तो आइए मैं आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ। फ्रेंड्स, 2018 का ही न्यू मॉडल है। इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करा गया है। इसमें लेग गार्ड लगवाया है, ग्रिल लगाई गई है और हैंडल लगवाया है, और बस इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाया, क्योंकि जो कंपनी का जो एग्जॉस्ट था उसमें आपको बहुत साइलेंट मिलता है, उसमें इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो बात करते हैं इसका हैंडल की। इसका हैंडल इसलिए चेंज करा गया, जो कंपनी का जो हैंडल था वो आप एक नॉर्मल स्पीड तक पहुँचते थे 60-80 की स्पीड में, तो आपका जो हैंडल वो वाइब्रेट करने लगता है और मिरर्स भी उसके वाइब्रेट करने लगते हैं, और उससे आपको बैक को भी खूब प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी राइडिंग में जाते हैं लंबे सफ़र में तो आपको उसके बैक को बहुत प्रॉब्लम मिलती है। ये जो हैंड लगाया गया है इससे आपकी बॉडी स्ट्रेट रहती है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका बैक है कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। इसके इंजन टाइप के बारे में, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ट्विन स्पार्क प्लस एयर कूल्ड इंजन मिल जाएगा। इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो इसमें आपको 346 cc का इंजन मिल जाएगा। इसके मैक्सिमम पावर की बात करी जाए उसमें आपको 19.8 bhp का, इट मींस 5250 rpm। मैक्सिमम टॉर्क की बात करी जाए तो उसमें आपको 28 nm का, इट मींस 4000 rpm का मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके वेट के बारे में, तो उसका वेट है 192 kg। फ्यूल कैपेसिटी की बात करी जाए तो उसमें आपको जो फ्यूल कैपेसिटी का जो टैंक मिलेगा फ्यूल का, वो 13.5 लीटर्स का मिल जाएगा, और इसमें आपको नंबर ऑफ गियर्स मिल जाएंगे 5। तो फ्रेंड्स, इस आज के लिए इतना रिव्यू बहुत है। अगर आप कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।